नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आए दोस्तों, सके साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 जून 2022 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, से के साथ बात करते हैं यश में। गर्म की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं, जरिए आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, दिन सोमवार का दिन रहेगा, शूल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और मखा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो हर्ष नाम का शुभ योग रात्रि के प्रातः काल 4:52 रहेगा। उसके उपरांत ही वज्र नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों, उसके उपरांत इस दिन राहु काल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 7:24 लेकर सुबह के 9:05 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन सिंह राशि पर संचार करेंगे। जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब होता है। झूठ बेवजह दलील देता है, सच खुद अपना वकील होता है। सब खामोश है यहाँ, कोई आवाज नहीं करता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता। आईना भला कब किसी को सच बता पाया है, जब भी देखो दायां तो बायां ही नजर आया है। दोस्तों, हर शख्स दोहराता है ये जुमला हर रोज की, मुझे झूठ से नफरत है, मैं परेशान हूँ ये सोचकर कि आखिर झूठ बोलता कौन है। दोस्तों, 3 चीजें अधिक समय तक छिप नहीं सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति से राय रखिए। दोस्तों, कश्तियां गलतफहमियों की झूठ के समंदर में कब तक बेखौफ चलेगी, डूब जाएगी खुद ब खुद ही जिस वक्त वह सच के किनारों पे मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यह समय किसी धार्मिक संस्था से जुड़ी गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। समाज में और परिवार में आपका मान सम्मान भी यश में बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को यश में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल होने की संभावना बन रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, इस यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो किसी पड़ोसी द्वारा घर में कोई गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दूसरों का हस्तक्षेप अपने परिवार पर न होने दें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में धन संबंधी निवेश बहुत ही आपको सोच समझकर विचार करके ही इनमें निर्णय लेना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि किसी को पैसा यश में उधार ना दें, क्योंकि दोस्तों रुक रुक कर वापस मिलने की संभावना बन रही है, इसलिए दोस्तों यश में आप इन झंझट में ना पड़े, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो भी आप यश में पिछले समय में मेहनत किए थे, दोस्तों वह सारे प्रयत्न आपके लिए यश में सफल होंगे और इनमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि परिवार के सभी लोगों के साथ संबंध यश में अच्छे बनने की वजह से मन को भी यश में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। नए कार्य की योजना करने के लिए परिवार और मित्रों का भी इसमें आपको साथ प्राप्त होगा। और दोस्तों, खुद के जीवन को और बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा यश में किए भी जा सकते हैं, जो कि आपके आगे चलकर बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको अपने किसी विशेष कार्यों को पूरी करने में सहायक साबित होंगे। तो यश में मित्रों की सलाह भी आप ले सकते हैं, ये आपके लिए उत्तम साबित होंगे। और कुछ समय से चल रही जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी यश में उनमें सुधार आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप दोबारा अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति यश में अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा।
और इसके उपरांत दोस्तों यीशु मसीह किसी के साथ भी व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़े ना उलझन के साथ ही आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इसकी वजह से आपके मान सम्मान पर आंच आ सकती है या फिर आपकी मान हानि हो सकती है। तो यश में इनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वभाव में दोस्तों गुस्से और फिर चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति भी आ सकती है, आपको इन पर अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों यह समय जो है विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के प्रति भी लापरवाह रहेंगे, तो दोस्तों विद्यार्थी वर्ग यह समय सावधान रहने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों ये लापरवाही आपके भविष्य के लिए बहुत ही नकारात्मक साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपके बारे में गोपनीय बात किसी और को पता चलने की वजह से आपको तकलीफ का सामना भी यह समय करना पड़ सकता है। दोस्तों गलत लोगों के साथ देने की वजह से मान हानि का भी सामना यश में हो सकता है, इसलिए इनसे दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। पैसे संबंधित व्यवहार ठीक से करें। साथ ही दोस्तों आपकी जो प्रतिष्ठा है इसमें बिगाड़ने की कोई कोशिश कर सकता है, तो यश में सतर्कता रखना अति आवश्यक होगा। यश में आपके लिए असावधानी बहुत ही बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अपने सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में भी आप सक्षम रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर जो मेहनत है जो लगन है आपके सभी कार्यों में यश में सफलता आपको दिलाने वाली है। परिवार में भी दोस्तों उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके जो कायदे कानून है वह यश में आप बनाएंगे और इसमें आप अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। घर के माहौल को भी इसमें आप खुशनुमा बनाने में अच्छा योगदान भी देंगे। आपका दोस्तों उदारवादी दृष्टिकोण बच्चों के लिए जो है मिसाल रहेगा। यशमय विद्यार्थियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा रहेगा, लेकिन आपको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो दोस्तों आपका ध्यान इसमें कहीं और भी भटक सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय असमंजस जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में निर्णय लेते समय किसी से बात ना करें। दोस्तों प्राणायाम या फिर मेडिटेशन करना आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाएगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें। किसी भी प्रकार के लेन देन या फिर उधार देने की प्रवृत्ति से यश में बचें, क्योंकि दोस्तों वापसी की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि अभी तक आप अपनी योजना पर टिके रहकर जो भी बात तय किए थे दोस्तों उन्हीं बातों को वास्तविकता का स्वरूप देने के लिए आप यश में सफल भी रहेंगे। फिर भी दोस्तों आपके अंदर और डिसिप्लिन लाने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि संवाद योग्य तरीके से रखने की वजह से किसी के साथ चल रहे झगड़े को खत्म करना आपके लिए यश में आसान रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कोई महत्वपूर्ण लाभदायक सूचना भी आपको मिल सकती है। प्रभावशाली लोगों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें। दोस्तों आपको बता दें कि ये संबंध आपके लिए उन्नति का कारक बनेंगे, आपके नए मार्गों को इसमें ये खोलने वाले हैं, तो दोस्तों इन पर भी ध्यान दें, लेकिन अपने विरोधियों से इसमें आपको सावधान रहने की आशंका है। दोस्तों आपको बता दें कि घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल की स्थिति भी रहेगी। कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तनाव आपको जो अपने लक्ष्य से भटका सकता है, आपके मन में गुस्सा आ सकता है, तो दोस्तों इन सभी चीजों को लेकर इसमें आपको बचना चाहिए, अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए, अपने गुस्से पर इसमें आपको नियंत्रण रखना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप अपने कार्यों में अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। तो इन बातों को जो है ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसके उपरांत दोस्तों अगर लोन लेने की योजना बन रही है तो दोस्तों उस पर अच्छी तरह से सोच विचार भी इसमें आप कर लें। किसी के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा आपकी मान हानि इसमें संभव होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काफी समय बाद अपनी मेहनत द्वारा परिस्थिति में बदलाव लाना आपके लिए संभव हो रहा है। और दोस्तों अभी तक परिस्थिति भी पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं आई थी, इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहें, जीवन की नई शुरुआत करने का आपको इसमें मौका मिल रहा है, जिसका पूरा फायदा उठाने की यश में आपको कोशिश करना चाहिए। भावनात्मक तकलीफ आपकी यश में दूर होंगी, जिससे दोस्तों यश में आपका मन भी खुश रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेते समय घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह अवश्य लें, ये सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित ही आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। किसी उलझे हुए सरकारी काम में सफलता की उम्मीद भी यश में बन रही है,
विद्यार्थियों को भी किसी विभागीय परीक्षा में अनुकूल परिणाम यशोमय हासिल होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके कैरियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी व्यवसायिक निवेश यशोमय ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए आर्थिक स्थिति थोड़ी तंगी रहेगी। लेकिन दोस्तों किसी पार्टी द्वारा उचित ऑर्डर भी यशोमय आपको मिल सकता है, जल्दी ही परेशानी आपका दूर होगी। तो यशोमय धैर्य का दामन आपको थामे रखना है। नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में यशोमय सक्षम रहेंगे, जिनसे आपका माहौल थोड़ा सा खुशनुमा भी रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों सरकारी सेवारत लोगों को कोई विशेष अथॉरिटी यशोमय मिल सकती है, जिससे दोस्तों आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में भी कर्मचारी का पूर्ण सहयोग बना रहेगा तथा उन पर विश्वास बनाकर रखना उनकी कार्यों कार्य क्षमता व फिर योग्यता में और अधिक वृद्धि करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यशोमय परिवार के साथ हास प्रयास व फिर मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। और दोस्तों सभी में आपसी स्नेह व फिर प्यार यशोमय बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में भी आपसी सहयोग व फिर बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर स्नेह परिवार को जोड़ कर रखेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इनसे दोस्तों आप यशोमय परिवार के साथ आनंदित मूड में भी रहेंगे और परिवार के साथ समय भी व्यतीत करेंगे। पति पत्नी का आपसी सामंजस्य भी इसमें मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और अधिक इसमें नैतिकियां आने वाली है। अगर आपका प्रेम संबंध पहले से टूटा हुआ है, तो दोस्तों यशोमय आप कोशिश कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यशोमय सुस्ती व फिर थकान की स्थिति रहेगी। बढ़ती ठंड से अपना बचाव अवश्य करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तो इन बातों का गौर आपको यशोमय करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों तथा वाहन का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि दोस्तों यशोमय ग्रहों की स्थिति के कारण चोट लगने की आशंका बन रही है। तो यशोमय सावधानी आपको बरतनी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने की भी संभावना बन रही है। दोस्तों ये सभी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और यशोमय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।